एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी बच रहे हैं शाम के साथ और पता, आज मैं ना बनाऊंगी चिली पटेटो। तो मैंने सोचा ना, वीक में एक बार ना रेसिपी का व्लॉग ज़रूर दूंगी, तो इसलिए आज मैं रेसिपी बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी आज चिली पटेटो। तो चिली पटेटो की पूरी रेसिपी दूंगी, क्या क्या डालेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, तो सब कुछ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आलू कैप्सिकम अनियन, इन तीनों चीज़ों को कट कर लेते हैं, बाकी दिखाते जाऊंगी क्या क्या करना है। ठीक है, देखो मैंने ना पांच आलू लिए हैं। अब पांच आलू लिए मैंने। अब मैं पहले छील के देखती हूँ कि ज्यादा ना हो जाए ना कम हो, तो इनको फटाक से हम छीलते हैं। और पता है क्या, पिछली बार ना लॉकडाउन, जब लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था ना, जब ज्यादा कोरोना फर्स्ट टाइम आया था, तो मार्च में जब वो लगा था लॉकडाउन, तब मैंने ना फर्स्ट टाइम चिली पटेटो बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने बनाए, क्या बनाया था, मोमोज बनाए थे। आज मैं आपको ना स्क्वायर से एक नंबर काट के दिखाऊंगा कैसे काट। अब ना जरा हम इनको काट के देखते हैं। अब मैं आपको तू तो लंबा है भाई, जरा कैमरे की चेकिंग हो रही है। ये क्या है, तेरा बंदा ना मैं आऊंगा तो आऊंगा ही नहीं थे, तू आई नहीं ना। हाँ तू बटला है ना, देखा मैं आ रही हूँ पूरी। अब तो देखो ना, पर हम ऐसे करके थोड़ा सा कट कर देंगे, और इस साइड से भी थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और थोड़ा शोर होगा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, और यहाँ से भी ऐसे करके थोड़ा सा बाकी इसका यूज कर लेंगे। बट मैं आपको स्क्वायर शेप में ना कट करना सिखा रही हूँ, मैंने ये भी सीखा है। ऐसे करने के बाद यहाँ एक कट करके ऐसे, मैंने सारे कट कर लिए पतले पतले। तो मैंने इसमें ना पांच आलू यूज करे खाली, तब उसको अच्छे से हम तीन चार बार वॉश करेंगे। अब इसको हम ना तीन से चार बार ना अच्छे से ना वॉश करेंगे। क्या बोलती है तू? पानी में ऐसे रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो ये ना थोड़े डार्क हो जाएंगे कलर में, वजह से थोड़ा पानी में इसको रखना पड़ रहा है। बाकी हम कैप्सिकम और अपने अनियन वगैरह कट कर लेते हैं। मैंने ना छह अनियन लिए, तो थोड़े साइज इसका छोटा सा, जैसे छह लिए। बाकी ना क्या करें, जब वो चिली पटेटो बनाते हैं तो उसमें अनियन ज़्यादा होते तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और एक कैप्सिकम। तो अब इन सबको भी हमने अच्छे से काट लेते हैं, बिल्कुल पतला पतला, जैसे आलू की शेप देना, लंबी लंबी से देंगे। तो कैप्सिकम और अनियन भी मैंने कट कर दिया। अब मेरे को बारी है इसमें, अब इसका पानी निकाल देते हैं। तो देखो मेरा भाई थोड़ी मेरी हेल्प करने के लिए आया, पता नहीं इसको मेरे पे तरस आया। तो ना आलू को थोड़ा क्या करते हैं, पोछते हैं। तो एक हमने ना एक कपड़ा, साफ कपड़े पे आलू रख लिए हैं, और उनको अच्छे से पोछ रहे हैं ऐसे। आलू को एकदम सुखा लेना है, नहीं तो क्या होगा, जो हम अपना उसमें वो डालेंगे सामान वो चिपकेगा। तो बाकी इसको पोंछ के इसमें आलू का हम वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे अमन? आलू डाल के हाँ मैरिनेट करेंगे इसको। फिर मैगीनेट खाएगा सब, मैगीनेट तेरे को तो मैगीनेट क्या होता है, मैगीनेट चुंबक है। ओ भाई मेरी तो बेइज्जती हो गई। तुम्हें क्या
आप देखो थोड़ा लड़फड़ के हम लोग रेसिपी बना रहे हैं, तू सच जल्दी जल्दी कर दे तो मैं हट जाऊँ। जब पता है जब मैं ना अकेले किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं बना लेती हूँ, जब कोई मेरी हेल्प करने आता है ना तो मेरे ऐसा होता है तब ऐसा होता है यही बना। तो अभी हम मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हो रहा है, देखो OMG। तो देखो इसमें रिफाइंड को हम गरम कर रहे हैं, ये कह रहा है जब तक तू प्यूरी का काम कर ले और क्या दूं, एक तो इतना लंबा मुझे ट्राईपॉड उठा के चलना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ। नो सो गाइस आज की रेसिपी अमन दे रहा, मैंने ट्राईपॉड हाथ में उठा लिया कितनी पागल हूँ, ट्राईपॉड ले लिया, चल आज की रेसिपी तेरी है, भाई ने बनाया चिली पटेटो मेरा कैप्शन। तो देखो आलू पूरे अच्छे से सोख लिए हैं, सूख गए ना, और ये इसमें है हमारा, तू क्या हटा लेगा, तू तो बिल्कुल खड़ी होगी, चल उसको रख, अच्छा रख दे ले, ओ भाई टूट जाएगा। अरे ऐसे करने से क्या हो रहा है कि सामान दिख रहा है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कितना डालूं, रुक जा मैं बताती हूँ। हाँ हमने सब चम्मच का हिसाब बताते हैं, हमें मुट्ठी का हिसाब बताऊं, कोई चम्मच नहीं यूज करता आज के जमाने में। हाँ तो अभी हमने इसमें कम से कम ये 4 चम्मच हमने अरारोट पाउडर डाला है, और उसको हम ना ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें मैदा भी यूज़ करेंगे, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम इसको इसमें डालेंगे। आई डोंट नो, मुँह तेरा इतना चलता है, काट ले मुँह से। इसमें 1 चम्मच डालना, ज़्यादा मत डाल ली, कोई टेस्ट अलग हो जाए, बताइए बस दो मुट्ठी मैदा, 2 मुट्ठी नहीं 1 चम्मच करीब, इसमें से निकाल ले, मैं तेरे को दिखा रही हूँ, और इसमें हमारा कलर है, इससे मेरा कलर है, आओ 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 ये लो, इसमें हम थोड़ा रेड कलर भी ऐड करेंगे ताकि चिली पटेटो रेड रेड बने हमारे, तो ये फ्रूट कलर हम इसमें डालेंगे, क्या दूँ भाई। तू मेहंदी लगाता है क्या भाई, अमन नमक नहीं डाला इसमें, नमक नहीं डालती थी तू, मैंने पानी छोड़ देगा ये आलू, मैदा डाल तू डाल, अभी से छोड़ रहे पानी बहुत ऐसे हो जाएंगे, और डालो ना, नहीं इनको अच्छे से अच्छे से घिस दे हाथ से, हो गैस को हम तेज कर दे रहे हैं, अच्छे जब मैंने लॉकडाउन में बनाए थे वो कैसे मैथे वाले, बस और डालो ना, अब तो हो गए रेड, अब हम इनको ना सेमी फ्राई करेंगे, और जब वो क्या कहते हैं हम अपने प्यूरी बना लेंगे ना वहाँ पर उसकी चिली पटेटो की प्यूरी, देखो देख रुक जा मैंने एक पिक ले लूँ उनकी, ले ली, तो अच्छे से इनको अच्छे से फ्राई करें, प्यूरी बनाने का मैं काम स्टार्ट कर दूँ क्या अभी से? नहीं ना, तो बाकी मैं तो मैं आपको बाकी दिखाती हूँ कि ना मैंने देखो ये मोमोज की चटनी ना पहले से मम्मी से मंगा के रख ली है, आउच 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 ये देखो
तो मैंने मम्मी से पहले ही ना शाम के टाइम ना ये क्या कहते हैं क्या ये मोमोज की चटनी मंगा ली थी और केचप वगैरह ये दोनों चीजों की हम पूरी बनाएंगे। हाँ नहीं रुक जा मैं करी में दे हो गया इसको सेमी फ्राई करेंगे हम इसको करछी दे देती हूँ मैं सारे एक साथ आ गए ये लो नई प्लेट में तो उसके बाद ऐसे काम करने के बाद अपने हम रेस्ट देखो हमारे सिंक में ये क्या कर रहा है देखो पूरे में रेस्ट क्यों खाते रहते थे बेचारे के हाथ कितना ऐसा लग रहा है ऑरेंज वाले आइसक्रीम खाई है क्या कौन देखो मेरी मम्मी आई तो मैं रुको देखो मेरी मम्मी आई ना मेरी मम्मी को भी दिखाती हूँ नीचे है और बाकी मैं ट्राईपॉड लेके नाच रही हूँ अपने लंच घर में गेट खोलूंगी अब मैं मैं ऊपर आ गई बड़ी मुश्किल से ट्राइपॉड को पता लेके गई हूँ मैं नीचे बच गई गिरती नहीं तो इसको लेके आज देखो इसको इसके ऊपर खड़े होने की जरूरत है ये मैंने अपने लिए मंगाया हुआ है पटला की ताकि मैं थोड़ी लंबी हो जाऊँ काम कर पाऊँ किचन में ये इसको क्या कम हाइट पड़ रही है बाकी देखो ये फ्राई हो रहे हैं ऐसे फ्राई हो रहे हैं तो देखो ये है मोमोज की चटनी और ये है टमाटो केचप तो बाकी तो मैंने काट रखा है और इसको बस हम एक मिनट और फ्राई करेंगे और ये हमारे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो देखो हमने सेमी फ्राई उसको कर लिया था तो देखो ये ना इनको दोबारा से डीप फ्राई करेगा और साइड में मैं बना रही हूँ प्यूरी तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है तो ये गर्म हो गया है हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में वहाँ पे वो फ्राई हो रहे हैं डीप फ्राई टिश्यू वगैरह बिछा लिया मम्मा अम्मा ने इसको चला दे जल गया इसका डालना डाल हैं डाल दे सब उठा के एक तो मुझे इतना डर लगता है जल गया क्या वो उस मसाला नहीं ना ये ग्रीन चिली भी डाल देता जल गया क्या अमन इसमें हैक ना यार नहीं तो मैं इतना चीज़ है तब इसको अच्छे से हमें ना फ्राई कर लेंगे तो उनको फ्राई होने देते हैं जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो हम इसके अंदर विनेगर और सोया सॉस और ये मतलब टमाटो केचप और मोमोज वाली चटनी इसमें ना वाली क्या कहते हैं तीखी चटनी होती है ना जो रेड वाली वो भी डाल सकते हैं बट मुझे यही मिली तो इसलिए मैं इसको ये डालूंगी तो देखो ये अभी तो फ्राई हो रहे हैं और बाकी वो डीप फ्राई हो गए तो उसको अभी हम बाहर निकाल रहे हैं अच्छे हो रहे हैं देखो इसने टिश्यू में आ देखो यहाँ से फूक मार मार हाय राम देखो टिश्यू में साइड से चला लिया चलो मैं बन इसको फ्राई कर लूँ ठीक से हमने इसमें अपने रेड कलर की ना रेड पानी कब डालना इसके बाद ही थोड़ा फ्राई कर ले इसमें हमने ना अपने मोमोज की चटनी में थोड़ा सा ना वो डाला है रेड चिली पाउडर अब इसमें हल्का सा वाटर मिला के पानी को जलाएंगे तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है तो इसको अच्छे से अभी गर्म करेंगे तो अभी ये ना फ्राई हो चुकी है तो अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे थोड़ा सा ऑयल क्योंकि किसी भी चीज़ में हमने नमक नहीं डाला ना बस तो नमक भी ऐड कर दिया अब इसमें एक एक चम्मच हम ये दोनों चीज़ भी डालेंगे अमन इसका ले अंदाज़ा रहेगा पकड़ ढक्कन डालेंगे
एक ही चम्मच ही डालना है, ठीक है, कम ज्यादा ना हो जाए, हम वो नहीं बना रहे चाउमीन। कम कर डाल, बस थोड़ी डाल, बस ज्यादा ना हो जाए, फिर वो टेस्ट खराब हो जाएगा। चैन नहीं है लड़के को। ये ले थोड़ा सा विनेगर डाल। हाँ, इसको ढक्कन का नाप ले ले इस वाले का। अब इसको अच्छे से मिला दो। देखा काली काली कर दी तूने मेरे चटनी। मैंने क्या कर दी? इतना क्यों? अब टमाटर सॉस में तो डालेगा। सुबह ठीक तो डाला है। अब इसमें हम डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे अपने टमाटो केचप। काले काले ही होते हैं ये। डाल दूं मैं? डाल। हमने टमाटो केचप भी वो ऐड कर दिया इसमें। इतना ब्लैक क्यों गए? तो ये एक चम्मच ना कॉर्नफ्लावर का पानी इसमें डालना है। अच्छा, डाल दो अभी ये। हाँ, इसको पका ले अच्छे से। क्या पका? फुल गैस कर, थोड़ा पानी इसको कम। सब पका पका है भाई, पानी क्यों कम कर रही है? अब डालेंगे हम अपने फिंगर्स इसमें। डाल दो। किससे खाएगा? देखना, दो फिंगर निकाले, खाएगा किससे? मुँह में चटनी तो है नहीं, मतलब कि चिली पोटैटो बन रहे वो कमी है। अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। ये प्यूरी से कम नहीं करी तुझे? नहीं हो गया ना, तब से इतना आ गया ना, ऐसा ना करती है। तू इतनी बुरी तरह करती है ना। This is nice. देखी कितने देर तक भूनना, तो तेज़ आते हैं।